को खेला गया CSK वर्सेस RCB का मैच शायद धोनी के IPL करियर का लास्ट मैच था। शायद अब हम धोनी को ग्राउंड पर खेलते हुए लंबे लंबे सिक्स लगाते हुए फिर कभी नहीं देख पाएंगे। शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि धोनी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से धोनी के रिटायरमेंट को लेकर अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। धोनी के हर फैन का दिल तो उन्हें और खेलते हुए देखना चाहता है, लेकिन शायद ये अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि धोनी ऑलरेडी 42 ईयर्स के हो गए हैं और इस बार ही उन्होंने इंजरी के बाद भी बहुत मुश्किल से खेला है। इस एज में भी धोनी ने IPL हिस्ट्री का सबसे लंबा 110 मीटर का सिक्स मारा, लेकिन उसके बाद भी CSK हार गई और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसीलिए मैच के बाद धोनी बहुत दुखी नजर आए क्योंकि शायद धोनी खुद भी यही चाहते थे कि वो अपना लास्ट मैच जीत के साथ फिनिश करे, जिसके लिए वो फेमस है, परफेक्ट मैच फिनिशर। लेकिन धोनी इस मामले में शायद बहुत अनलकी है क्योंकि जब उन्होंने अपना लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला था वहां भी वो इंडिया को जीत नहीं दिला पाए थे और खामोशी से उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया था, और ऐसा ही उनके IPL करियर के साथ भी हुआ। वो अपने लास्ट मैच को परफेक्ट फिनिश नहीं दे पाए और चुपचाप ड्रेसिंग रूम में चले गए। लेकिन कुछ भी कहो, मैं तो यही कहूंगी कि धोनी जैसा प्लेयर एक परफेक्ट फेयरवेल डिजर्व करता है। ऐसी साइलेंट विदाई एटलीस्ट महेंद्र सिंह धोनी तो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ये वही MS धोनी हैं जिन्होंने ICC के तीनों फॉर्मेट में इंडिया को जिताया है। ये वही धोनी हैं जिन्होंने 5 बार CSK को IPL की ट्रॉफी दिलाई है। धोनी जो हमेशा क्रिकेट की दुनिया के एक महान खिलाड़ी माने जाएंगे, जो शायद क्रिकेट के वर्ल्ड के सबसे लकीस्ट खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी विदाई सबसे अनलकीस्ट रही। थैंक यू MS धोनी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ऑल द ट्रॉफीज, थैंक यू फॉर गिविंग अस स्पेशल मोमेंट्स एंड मेमोरीज, क्योंकि आपके जैसा प्लेयर शायद हमें फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।